आरजीगढ़ अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की छापेमारी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची सीबीआई की टीम। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर देवाशीष सोम के घर भी पहुंची सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम। संदीप घोष के करीबी है देवाशीष सोम। कोलकाता रेप हत्याकांड के आरोपी संजय रॉय का आज होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। शनिवार को तकनीकी कारणों और जेल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं हो पाया था टेस्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत छह लोगों का हुआ शनिवार को पॉलीग्राफ टेस्ट। जरूरत पड़ने पर दोबारा हो सकता है संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई ने जब्त किया आरोपी संजय रॉय की बाइक। वारदात वाले दिन इसी बाइक से अस्पताल पहुंचा था आरोपी। बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टीकर लगाकर धौंस जमाता था संजय। कोलकाता में जारी रहेगी डॉक्टरों की हड़ताल। स्वास्थ्य भवन में बुलाई गई बैठक में नहीं निकला समाधान। कोलकाता केस को लेकर शनिवार को हुआ विरोध प्रदर्शन। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग की। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का आरोप 27 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को विफल करने में जुटी ममता सरकार की पुलिस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बदलापुर मामले को लेकर दिया विवाद बयान। दुष्कर्म करने वालों को जनता की ओर से कड़ी सजा देने की वकालत। आज एक बार फिर रेडियो पर मन की बात करेंगे पीएम मोदी। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे 113वें एपिसोड का प्रसारण। आज महाराष्ट्र और राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र देंगे पीएम। राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनियम जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम। समापन समारोह को करेंगे संबोधित। उच्च न्यायालय संग्रहालय का भी करेंगे उद्घाटन। सरकारी कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। 25 साल नौकरी पूरी करने पर पेंशन। कर्मचारियों के लिए एनपीएस यूपीएस दोनों का होगा विकल्प। यूपीएस के तहत सारा पैसा सरकार देगी। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। प्रयागराज से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले संविधान को कमजोर कर रही है मोदी सरकार। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बीच मऊ पुलिस की कार्रवाई। दूसरी पाली के एग्जाम के दौरान पकड़ा गया मुन्ना भाई। कुलदीप की जगह सुमन दे रहा था परीक्षा। दिल्ली में अलकायदा के बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। पुलिस ने 11 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर के रफियाबाद में एक आतंकी ढेर। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मारा गया दहशतगर्द। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे में 3 नाबालिग छात्रों पर 5 साल के मासूम की हत्या का आरोप। छुट्टी के लिए नाबालिग ने रची साजिश। लोगों ने मदरसे के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाकर छात्रों की पिटाई करने का आरोप लगाया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में इंटीरियर डिजाइनर की किडनैपिंग के बाद गला दबाकर की गई हत्या। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के जलगांव लाए गए नेपाल में सड़क दुर्घटना में मारे गए 25 भारतीय तीर्थयात्रियों के पार्थिव शरीर घरवालों के रोड़ों को बराहत। गुजरात के दाहोद में पानी के तेज बहाव में बही कार सवार 4 लोगों में से 2 लापता तलाश जारी। कोलकाता के लाल बाजार इलाके में हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब जैसे दिखा नजर। उज्जैन में शिप्रा नदी का बड़ा जलस्तर। राम घाट पर बने कई मंदिर हुए जलमग्न। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर की गई तैयारियां। चौक चौराहों पर सजावट। जगह जगह की गई लाइटिंग। राजकोट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिखने लगा उत्साह। मेले में उमड़ी लोगों की भीड़। जॉर्डन में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की नेहा ने जीता गोल्ड। नेहा सांगवान ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीत कर लहराया तिरंगा।